दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा ऐलान है, पेट्रोल डीजल के साथ रसोई गैस के दामों में भी होगी कमी। तो देखते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। किसानों के लिए महत्वपूर्ण खबरें हैं। किसानों के लिए सीएम शिवराज ने ऐलान किया है, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत किसानों को मिलेगी राहत। वहीं प्रदेश के इन जिलों में शुरू होगी रबी फसलों की खरीदी। तो चले देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। खुशखबरी है आमजन के लिए, पेट्रोल डीजल के साथ कम होने जा रही एलपीजी की भी कीमतें। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया बड़ा कारण। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी परेशान है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम मार्च या अप्रैल तक कम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तेल उत्पादक देशों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा गया है। भारत सरकार उन देशों पर दबाव बना रही है ताकि भारत की आम जनता को तेल की बढ़ती कीमतों से राहत मिल सके। बता दें कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने दो दिन पहले कहा था कि तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हो जा रहे हैं। अपने देश के हित में अधिक लाभ कमाने के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाले देश कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि सर्दियों की वजह से भी डीजल पेट्रोल की कीमतें अधिक हो जाती है। सर्दियों में ऐसा होता है अक्सर। अब सर्दियां खत्म हो गई हैं तो कीमतें भी सस्ती हो जाएंगी। तेल का उत्पादन बढ़ने पर घटेंगे दाम। कोरोना के चलते खपत कम होने से तेल उत्पादक देशों ने उत्पादन घटाया था, लेकिन अब हालात सामान्य हुए, लिहाजा एलपीजी की खपत बढ़ी है और उत्पादन की कमी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अब मार्च के अंत और अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में एलपीजी के दाम भी नियंत्रण में आ जाएंगे। भारत सरकार इन देशों पर दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज़्यादा तेल खरीददार देश है और वह तेल उत्पादक देशों जैसे रूस, कतर और कुवैत के साथ अन्य देशों को तेल का उत्पादन बढ़ाने का दबाव बना रहा है। जब तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो प्रति बैरल कास्ट में कमी आएगी और बाद में रिटेल तेल की कीमत भी गिर जाएगी, जिससे आम जन को लाभ होगा। इस समय पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर चल रहे हैं। तेल के दाम देश में 16 गुना बढ़ गए हैं। शनिवार को पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज तेल के दाम स्थिर रहे हैं। तो इस प्रकार से केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि सर्दी के कारण पेट्रोल डीजल तथा रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हुई थी, अब सर्दी समाप्त होते ही इनके दामों में गिरावट आएगी ताकि देश की जनता को इस महंगाई से राहत मिल सके। उन्होंने यह भी कहा है कि मार्च के अंतिम तथा अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पेट्रोल डीजल तथा गैस के दाम गिर जाएंगे, तो बहुत अच्छी खबर है। वहीं अगली जानकारी है, गेहूं खरीदी से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि रबी फसलों की खरीदी इन जिलों से शुरू होगी। रबी विपणन वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं की खरीदी 22 मार्च से शुरू हो जाएगी। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी का कार्य मार्च महीने से शुरू किया जाएगा। इसके लिए तय किया गया है कि इंदौर और उज्जैन में 22 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी और शेष अन्य जिलों में 1 अप्रैल से गेहूँ का उपार्जन किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि किसानों की सहूलियत के लिए इस बार भी ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की व्यवस्था की गई है। पोर्टल पर अभी तक प्रदेश के 21 लाख से अधिक किसानों ने पंजीयन करा लिया है रबी फसलों को बेचने के लिए। पंजीयन का कार्य प्रदेश के 3518 केंद्रों पर किया गया है। साथ ही गिरदावरी किसान ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर और कियोस्क केंद्रों पर भी किसानों के पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। वहीं दावा करते हुए इस बार पुनः मध्य प्रदेश के किसानों की मेहनत रंग लाई है और गेहूं का उपार्जन प्रदेश में पुनः देश में अव्वल हो सकता है। इस वर्ष लगभग 1,25,00,000 मीट्रिक टन गेहूं और 20 लाख मीट्रिक टन दलहन एवं तिलहन का उपार्जन किया जाएगा।
इसके लिए राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का विक्रय करने में कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि उपार्जन व्यवस्थाओं में यह भी प्रयास किया गया है कि कोई भी किसान पंजीयन से वंचित न रहे। इसके लिए जिन जिलों में पंजीयन अभी किसानों का नहीं हुआ है, वहाँ पर भी पंजीयन की डेट बढ़ा दी जाएगी, पोर्टल आगे कर दिया जाएगा। इस वर्ष प्रदेश के 4500 खरीदी केंद्रों पर गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। MSP पर गेहूं की खरीदी के साथ उसके भंडारण और परिवहन की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है। कोरोना काल में प्रदेश के इतिहास में समर्थन मूल्य पर हुई रिकॉर्ड खरीदी में सरकार द्वारा की गई चाक चौबंद व्यवस्थाओं से प्रदेश का किसान खुशहाल है। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि किसानों को समय पर खाद बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुए सिंचाई के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था भी की गई है। कोरोना काल में जब सभी गतिविधियां प्रायः बंद हो रही थी, उस समय विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से जल संरचनाओं का निर्माण कार्य किया गया। इससे जहां एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला, वहीं दूसरी ओर भू जल स्तर में बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में बड़ी एवं लघु सिंचाई योजनाओं पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है, जिसका लाभ किसानों को मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान ने यह भी कहा कि किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 4000 रुपये सालाना दिए जा रहे हैं। इस योजना में अब तक 57,50,000 से अधिक पात्र किसानों को 2,000 रुपये के मान से लगभग 1,150 करोड़ रुपये का भुगतान ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी प्रतिवर्ष 6,000 रुपये के हिसाब से किया जाता है। खाद बीज और कीटनाशक दवाओं के नाम से किसानों के साथ छल करने वाले व्यवसायियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रदेश में नकली खाद बीज और दवाओं का विक्रय न हो। वहीं मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को होगा लाभ। इसके अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान यदि किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर घायल हो जाते हैं तो किसान के परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। इस योजना के तहत प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी किसान की कृषि कार्य करने के दौरान यदि कुछ भी हादसा हो जाता है तो उनके परिजनों को 4,00,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे किसानों को लाभ होता है। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपके कमेंटों का जवाब दे सकूं। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।